जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो 2021 के एसएस जीडी की वैकेंसी देखने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 90% लड़के जो बच्चे जो नए जुड़ते हैं एसएस जीडी के एग्जाम में या जो उन बच्चों ने आज तक पेपर नहीं दिया है उन ये 100% मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि एसएस जीडी के दौरान मतलब कौन कौन सी जॉब आप ले सकते हो, कौन सी जॉब आपके लिए बेटर रहेगी, कौन सी जॉब आपको फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए, किस प्रकार से फॉर्म भरना चाहिए। आप सभी को पता है कि पिछली एस एस जी डी की वैकेंसी में टोटल जो मेडिकल फिट कैंडिडेट थे यानी जिनके री मेडिकल होने के बाद में जब मेडिकल के लिए जिन बच्चों को बुलाया था उनकी संख्या थी समथिंग 150,000। दोस्तों उनमें से जो कुछ मेडिकल जैसे री मेडिकल में फेल हो गए, कुछ अटेंड नहीं कर पाए, कुछ मेडिकल में नहीं गए, उसके बाद में 109,000 के समथिंग बच्चे फाइनल मेड के लिए पहुंचे थे। दोस्तों ये बात बता दूं, मैं 1.5 लाख में से लगभग 9 से 10 हजार बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। और वो किस समय हुए थे? वो हुए थे ज्वाइनिंग के समय यानी फाइनल मेड के समय। और अभी भी जो बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं उनमें से भी कई बच्चों के यानी 1,09,000 में से 54,000 बच्चों जिनको ज्वाइनिंग मिले उनमें से भी समथिंग 1,000 यानी 1,000 से ऊपर वो बच्चे हैं जिनके फॉर्म अभी भी रिजेक्ट हो गए, ज्वाइनिंग रिजेक्ट हो गई। तो उनकी केवल एक फॉर्म भरने की गलती की वजह से यह हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, वो भी 4 साल बाद में। आप सभी को पता है एसएस जीडी की वैकेंसी आपको एक बार देखने का मौका मिलता है क्योंकि ये वैकेंसी 3 साल बाद में आती है। अगर आज वो बच्चा 19 या 20 साल का है 23 साल का हो जाएगा जनरल कैटेगरी वाला, अगली वैकेंसी देख नहीं पाएगा। तो ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं कोर्स की। आप सभी को पता है कि इस बार वैकेंसी लगभग 60,000 से ऊपर अब ये वैकेंसी आने वाली है एसएस जीडी की। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि तैयारी आपकी जब काम में आएगी ना जब आप फॉर्म से ही भरोगे। अगर फॉर्म में ही मिस्टेक कर दोगे तो किस काम की आपकी तैयारी। तो इसलिए सबसे पहले आपका जो मुख्य काम है वो है कि आपको फॉर्म सही फिलअप करना है और उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है इस बात को मैं विशेष रूप से आपको बता दूं। दोस्तों आप सभी को पता 60,000 प्लस ये वैकेंसी रहने वाली। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है यानी 10th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी मदर का नाम, एक आपके रोल नंबर, फॉर्म भरते समय इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक अगर एक मीनिंग की भी मिस्टेक हुई ना यानी आई की जगह ई और ई की जगह अगर आई हो गया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और कब होगा? वो 3 साल बाद। यानी आप अगर मेडिकल भी फिट हो जाओगे, फिजिकल फिट हो जाओगे उसके बाद में आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या कर होगा? आपके पास में कोई चारा नहीं रहेगा रोने के अलावा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में 10th क्लास की मार्कशीट आपका बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, मतलब उसमें जो जानकारी दी हुई वो आपके फॉर्म में अच्छे से देख के भरना। दूसरी बात, आपका जो मूल निवास होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी मदर का नाम, आपकी जो का जो 10th क्लास की मार्कशीट में है सेम एज इट इज होना चाहिए। मतलब जैसे आपके 10th क्लास की मार्कशीट में वैसा का वैसा ही आपका फॉर्म में होना चाहिए, वैसा का वैसा ही मूल निवास में होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, दोनों में सेम। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, इन तीन डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी गलती पाई गई, कास्ट सर्टिफिकेट में भी सेम होना चाहिए पहले, इन तीन डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी गलती पाई गई दोस्तों तो आप ये मान के चलिए कि आपको बाहर का रास्ता दिखा जाएगा, वो भी 3 साल बाद में जब फाइनल मेट आएगी उस समय। अभी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका कुछ नहीं होगा, पहले एग्जाम होता है आप सभी को पता है, उसके बाद में आपका फिजिकल, फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उस समय कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई समय में अगर मैं पास हो गया तो आगे पास हो जाऊंगा, नहीं। आप मेरे चैनल पे और भी वीडियो देख लीजिए, मैंने इस टॉपिक पे काफी वीडियो पहले बना चुका हूं, मैंने कई प्रूफ दिखा चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। फिजिकल के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई में पास कर देंगे लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपके एक बार अच्छे से वेरिफिकेशन होती है टोटल डॉक्यूमेंट्स की, उस समय आप फैसला होगा। पहली बात तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन। चौथी बात, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप जो डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करते हो तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आपका एक मित्र वाला है उस दोस्त को जरूर पता होगा, उससे भी आप पता कर सकते हो, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं भी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी आप गूगल करके भी देख सकते हो और अपने जो मित्र वाला आपका दोस्त है जिसे आप फॉर्म भर सबमिट कराओगे साइबर कैफे वाले, उनको पता होता तो उनसे भी आप पता करके कि भाई अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई, हाँ एक चीज और, आप नक्सल से भी बिलोंग करते हो और बॉर्डर से भी बिलोंग करते हो,
तो आपकी मेरिट बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का वहां पे आपको आरक्षण मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये तो चार बातें होगी जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अगर इनमें कहीं भी आपकी कोई भी मिस्टेक पाई गई दोस्तों, तो इसका मतलब है आपको घर भेज दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आपको 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए इस बात में कि आपको घर भेज दिया जाएगा, वो भी ज्वाइनिंग के समय तक। कभी भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है।